हेलो फ्रेंड्स, रसोई मीना के चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मशहूर फेमस गुजरात का महाराजा पराठा, जो कि खाने में उतने ही टेस्टी होते हैं, जो कि मेहनत बहुत कम। अगर घर में हम बना रहे हैं बाहर का खाना, तो बहुत मेहनत कम में बहुत टेस्टी पराठा बनते हैं, काफ़ी हेल्दी। तो चलिए घर में पराठा महाराजा बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करके हम ले लिए हैं कढ़ाई। कढ़ाई में हम ले लिए हैं 3 चम्मच सरसों का तेल। आप चाहें तो यहाँ पे घी और बटर ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी तक आप लोग पूछे नहीं और हम आपको बताए नहीं किस चीज़ का स्टफिंग तैयार कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो हम तैयार कर रहे हैं महाराजा पराठा, जो गुजरात का फेमस पराठा है फ्रेंड्स। तो हम प्याज के करीब करीब 2 मिनट सौटे करेंगे। इनका कलर चेंज नहीं करना है हमको, बस 2 मिनट इनको बस सौटे कीजिए। और साथ में ले लीजिए आप हरा मिर्च, आप अपने तीखा अनुसार ले सकते हैं, 3 से 4। हम यहाँ पे 3 हरा मिर्च को कट कर लिए हैं, साथ में ही हम ले लेंगे यहाँ पर, ताकि अच्छे से इनका स्मेल चल जाए। यहाँ पे हम अदरक नहीं लिए, 4 से 5 लहसुन का कलिया को हम कद्दूकस कर लिए हैं। अब थोड़ी देर इनको भूनेंगे अच्छे से। 2 मिनट यहाँ पर हो गए हैं फ्रेंड्स चलाते हुए। और यहाँ पे हम बारीक कटा हुआ टमाटर लेंगे, इनका बीज सारा निकाल लिए हैं, बीज निकाल लीजिएगा। साथ में ही हम ले लेते हैं गाजर, बारीक गाजर हम कट करके रख लिए थे, तो इनको भी हम साथ में ही ले रहे हैं। देखिए, तो सारे वेजिटेबल को आपको 1-1 मिनट भूनना है और सबको इसी तरह से लेते जाना है। शिमला मिर्च हम बारीक कट कर लिए थे, तो हम इनको भी ले लिए। इनका फ्लेवर ना जाए फ्रेंड्स, तब तक हम इनमें बारीक कटा हुआ ये हरा बंद गोभी अच्छे से ले लिए हैं, ताकि साथ में ये भी 2 से 3 मिनट इनको भी हम भून लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर चलाते हुए इनको 3 मिनट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, सबसे पहले 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इनसे कलर बहुत खूबसूरत आते हैं फ्रेंड्स। और यहीं पे हम लेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च घर का कूटा हुआ, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, ये भी घर का ही है फ्रेंड्स। घर में ही हम चिली फ्लेक्स बनाए हैं, आपको किसी दिन चिली फ्लेक्स बना करके दिखाएंगे कि कैसे बनते हैं। अब यहाँ पर लेंगे हम थोड़ा सा नमक, ताकि अच्छे से ये वेजिटेबल गल जाए। लेकिन इनको हम पहले चला लेते हैं इस तरह से, अच्छे से मिला लीजिए सारे मसाला को। और स्वाद अनुसार हम लेंगे नमक, ताकि वेजिटेबल यहाँ पे अच्छे से, इनको गलाना भी तो थोड़ा सा है ना। साथ में ही हम 1 मीडियम साइज का आलू इनमें ले लेते, ताकि आलू भी हमारा अच्छे से भुन जाए। इमली का पल्प 1 चम्मच लेंगे, और साथ में ही हम लेंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 चम्मच भर के हरा धनिया, इनसे तो स्वाद और बढ़ जाते हैं, कहते हैं ना 4 चांद लगना। तो चलिए गैस को कर देते हैं ऑफ। अब हम चलते हैं आटे की ओर। यहाँ पे हम ले लिए हैं आटा, ये आटा को हम छान करके अच्छे से ले लिए फ्रेंड्स। 500 ग्राम आटा है, तो हम एक बाउल में आटा को ले लेते हैं। 500 ग्राम आटा अच्छे से ले लिए है। 1 कप मैदा क्वान्टिटी में ये 200 ग्राम है, तो हम मैदा को ले लेते हैं। मैदा को भी अच्छे से हम छान लिए हैं। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर, मतलब ज़रूरत के अनुसार नमक, क्योंकि नमक तो हम स्टफिंग में भी लिए हैं, तो बस 1/2 छोटा चम्मच से कम नमक हम यहाँ पर लिए हैं। और इनको मिला लेते हैं। यहाँ पे हमको मोइन नहीं लेना है फ्रेंड्स, इनमें मोइन नहीं करना है, नहीं तो फिर पराठा पराठा नहीं रहेंगे, वो खस्ता पराठा हो जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी लेते हैं, और एकदम मुलायम सॉफ्ट डो लगाना है हमको इस तरह से। तो इस तरह से हम डो को अच्छे से मसल मसल के लगा लेंगे। थोड़ा और पानी लेंगे हम, तो देखिए थोड़ा और पानी ले लिए है। अब अच्छे से डो हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मसल मसल करके देखिए फ्रेंड्स, कितना चिकना डो ये तैयार कर लिए और सॉफ्ट भी है। तो अभी हम इनमें से एक बड़ा सा डो को, मतलब पेड़ा को, लड्डू कहिए, जो भी कहिए, एक बड़ा सा ले लिए है। बाकी इसी बाउल में हम इनको ढक के रख देते हैं इस तरह से, किसी कपड़े से ढक दीजिएगा। और इनको ले लेते हैं स्लेब पर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डस्टिंग के लिए हम लेंगे आटा, और स्टफिंग के थोड़ा सा साइड में करते हैं फ्रेंड्स। इनको बड़ा सा एक रोटी बनाना है हमको, तो चलिए इनको हम इस तरह से बेल लेते हैं। थोड़ा बड़ा ही रोटी बनाना है आपको। अभी क्या करना है आपको, देखिए थोड़ा मोटा है ना, तो बस ये स्टफिंग को आपको काफ़ी मात्रा में लेना है फ्रेंड्स। एकदम बीच सेंटर में रखिए इनको। अब सभी जगह से इस तरह से आप ले लें इनको अच्छे से। हालांकि मैं इस तरह से नहीं स्टफिंग करती हूँ,
बहुत आसानी से करती हूँ, वो भी बता दूंगी कभी, पर अभी आपको बिल्कुल राजस्थान वाला जो गुजरात में जो बनते हैं वो स्टाइल में आपको इस तरह से बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आटा को डस्टिंग करें ताकि ये चिपके ना। यहाँ पे हल्का सा डस्टिंग करना है, हल्का सा इस तरह से रोलिंग कर दें, ज़्यादा नहीं। तो बस अब चलिए इनको ले चलते हैं गैस के पास। आप यहाँ पे बटर या घी ले सकते हैं, हम घर में ही घी निकाले हैं, तो इस तरह से काफ़ी मात्रा में, मतलब 1.5 से 2 चम्मच अभी घी हम ले लिए हैं। इनको ज़रा सा फैला दें इस तरह से। अब मीडियम गैस पर इनको आहिस्ता आहिस्ता, एकदम बिल्कुल मत आप तेज आंच पर रखिएगा, बिल्कुल आहिस्ता सा मीडियम गैस पे आपको सेकना है। देखिए बस इनको एक तरफ करीब 2 से 3 मिनट सेकने दीजिए आराम से इस तरह से। यहाँ पर अच्छे से 3 मिनट हो गए मीडियम गैस पर, काफ़ी घी भी है तो कैसे पलटना है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं। यहाँ से पकड़े, अगर नए हमारे बच्चे हैं तो इस तरह से चिमटा ले लें सावधानी से ताकि ये टूटे ना। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पलटेंगे। तो बस आराम से चिमटा से अच्छा होगा, ये देखिए कितना बढ़िया से ये ब्राउन लाल हुए हैं। तो इसी तरह से 3 मिनट और, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स 3 मिनट बाद हम इनको चलाने के लिए कोशिश करें तो देखिए कितना बढ़िया से ये फूले फूले हो रहे हैं ना। तो अब आपको पलटना है इसी तरह से, जस्ट जब पलटी हूँ ना बस सेम उसी तरह से। और यहाँ पे महाराजा पराठा आ गए हैं, अब इसी तावे पे हम इनका स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो मसाला हम बनाए थे ना पराठा के लिए, महाराजा पराठा के लिए, तो उसी मसाले को हम थोड़ा रख लिए थे फ्रेंड्स। हरा चटनी, थोड़ा चटपटा हो जाएंगे, और थोड़ा एक घर में ही टमाटर को गैस पे पका करके हम एक टमाटर को चटनी बना लिए थे। किसी दिन इसका भी चटनी हम आपको आप लोग के सामने पेश करेंगे। आधा छोटा चम्मच के करीब टमाटो केचप। तो चलिए यहाँ गैस कर देते हैं ऑफ और इनको यहीं पे रहने देते हैं, हम ले लेते हैं बाद में। पहले हम देख लेते हैं महाराजा पराठा को। चलिए फ्रेंड्स पहले इनको अच्छे से, महाराजा पराठा है तो इनको अच्छे से पहले कट कर लें इस तरह से, और फिर यहाँ से इसी तरह से आपको कट कर लेना है। तो अब फ्रेंड्स अच्छे से हम कट कर लिए हैं। हम स्टफिंग रखने से पहले थोड़ा सा इस पे हरे धनिया की चटनी को अच्छे से सभी जगह लगा दे रही हूँ, देखिए, और थोड़ी सी, जब ज़्यादा नहीं, बस बीच में थोड़ा सा टमाटो केचप। अब हम स्टफिंग को ले लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर स्टफिंग अच्छे से ले रही हूँ, तो देखिए हम हर जगह से फैला दिए हैं। 100 ग्राम पनीर, पनीर को हर जगह से आप इस तरह से कद्दूकस कर लें, देखिए कितना अच्छा से है। इस ले लेते हैं चीज़, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये स्टिक वाले आते हैं ना जो स्क्वायर शेप में रहते हैं कटे हुए, ये भी मोजरेले चीज़ हैं, तो इनको भी भरपूर मात्रा में आप ले लें। तो देखिए इस तरह से सभी जगह से चीज़ को ले लेना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया बने हैं फ्रेंड्स। इनको ज़रा मुँह खोल के हम आपको दिखाते हैं, देखिए कितना बढ़िया से स्टफिंग और बहुत ही टेस्टी बने फ्रेंड्स। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आपको ये महाराजा पराठा का? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो आने वाली सबसे पहले आपके तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक नए वीडियो लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू।